तक जीवू अशरण शरणा नमस्कार नवकार सतगुरु हो सबका उद्धार सतगुरु हो सबका उद्धार। पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिनागमों में वर्णित अष्ट प्रवचन माता यानी पांच समिति और तीन गुप्ती का सार संक्षेप हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। चार समिति तक का आख्यान हमने जाना, इरिया समिति, भाषा समिति, ईर्षणा समिति और आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति। पांचवी समिति जिसका नाम है उच्चार प्रश्रवण खेल जल सिंगाण परिस्थापनिका समिति, इन शॉर्ट कहें समिति का नाम होगा परिस्थापनिका समिति। बस बाकी सब क्या क्या चीजें परिस्थापना योग्य है उसका नाम है। परिस्थापना शब्द का मतलब होता है कि जो चीजें अब हमारे लिए उपयोगी नहीं रही, मैल है, अनावश्यक है, अनधिकृत है अथवा यूज्ड है, उन सब चीज़ों को हम अपने शरीर से विलग करते हैं, अपनी निश्राय से विलग करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से अलग करते हैं। जब अलग करते हैं तो कैसे अलग करना, छोड़ना कैसे, चीज़ों को अपने से जुदा अपने से अलग करते हुए उसे कैसे छोड़ना, जैसे हमने लेने की कला सीखी वैसे हमें छोड़ने की कला भी सीखनी। छोड़ने की कला सीखने का नाम परिस्थापनिका समिति। ये परिस्थापनिका शब्द क्यों दिया कि परिस्थापन कर देना यानी अपने से परे रखते हुए उसको स्थापित करना। कैसे, जैसे कि एक आदमी, आप देखो कई लोग कूड़ा साफ करते हैं, कचरा साफ करते हैं, अपने घर का साफ करते हैं, तो कैसे साफ करते हैं, अपने घर का साफ किया बालकनी से नीचे डाल दिया, कचरा निकाला बालकनी से नीचे डाल दिया, नीचे वाले सारे घरों में वो कूड़ा फैलेगा, उनको कोई परवाह नहीं है, अपने घर से साफ हो गया ना, बात खत्म। कई लोगों ने क्या किया, अपने घर से निकाला बाहर सड़क पे डाल दिया, अब सड़क पे डाल दिया, अपना घर साफ, सड़क गंदी हुई तो हुई, सड़क साफ करने वाले जाने कि उनको अब किसी से कचरा हटाना है, हम क्यों ध्यान रखें। जो कचरे को इस तरह से गिरा रहा है उसकी वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति तो दिखलाई पड़ रही है, प्रवृत्ति के अंदर रहने वाली चीज को कहते हैं वृत्ति। वृत्ति क्या है, लापरवाह, लापरवाह और अहंकार, गमन, मैं क्यों इन चीजों को ध्यान रखूं, मेरे लिए तो वेस्टेज है, छोड़ा, छोड़ दिया, यूज एंड थ्रो। ये मानसिकता इतनी कॉमन हो चुकी है हम सबके अंदर कि यूज एंड थ्रो, नहीं थ्रो, थ्रो को महावीर भगवान ने क्या नाम दिया, थ्रो नाम नहीं दिया, उन्होंने नाम दिया परिस्थापनिका, परिस्थापन करो, प्रतिष्ठित करो, अपने से भले परे करो लेकिन उसको स्थापित करो, उसको भी विराजमान करो। भारतीय संस्कृति में ये विशेषता है, यहाँ लेना हो तो भी धन्यवाद के साथ और जब छोड़ना हो तो छोड़ते हुए भी धन्यवाद। आप देखो गणेश चतुर्थी आती है तो लोग गणेश गणपति जी की प्रतिष्ठा करवाते हैं, ठीक है, उसका नाम है प्रतिष्ठा, स्थापित किया। अनंत चतुर्दशी आती है तो उस जो प्रतिष्ठा की थी उसका वापस विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन करना भी उत्सव है, नहीं, जो विसर्जन करने जाते हैं गणपति का तब भी कितने उत्सव के साथ लेकर के जाते हैं, आनंद के साथ लेकर के जाते हैं, उसको विसर्जित करते हुए पानी में छोड़ते हुए उसको प्रणाम करके धन्यवाद देते हैं, करते हैं ना, तो विसर्जन भी हमारे यहाँ उत्सव है। यह है पांचवी समिति का सार कि छोड़ना भी उत्सव हो, छोड़ना भी आनंद के लिए हो, छोड़ना भी अहोभाव के साथ हो, छोड़ना भी धन्यवाद के साथ हो।
एक बार हम लोग विहार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की घटना है, तो रास्ते के अंदर पानी पीने के लिए ठहरे, पात्री में से जल निकाला, पानी ग्रहण किया और पात्री वापस पैक करके आगे चल पड़े। जब आगे पहुंचना जहां था 7-8-10 किलोमीटर पे, पहुंचने के बाद वापस अपने पात्रे खोल के देखे तो जिस छोटी पात्री में हमने जल पिया था वो पात्री हमें मिली नहीं। तो हमें लगा पात्री कहाँ गई, फिर ख्याल आया वो जहाँ पानी पिया था वो वहीं छोड़ा, पैक करते समय ध्यान नहीं दिया, वो वहीं छूट गई, भूल गए। तो विराट गुरु जी तब साथ में थे, तो बरबस मुँह से निकल नहीं था कि आज हम पात्री भूल आए पानी पीने वाली, वहीं छोड़ आए। तो गुरु जी बोले अच्छा फिर क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं किया, छूट गई, अब क्या कर सकते हैं, कोई वापस तो 10 किलोमीटर जा कर के लेकर आने से रहे। तो बोला अच्छा और कुछ किया भी नहीं, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं किया। तो धन्यवाद दिया, मैंने कहा नहीं क्यों, तो बोले जिसने इतने महीनों से तुमको पानी पिलाने में जो पात्र काम आया उस पात्र को छोड़ते वक्त धन्यवाद तो दो, जिसने इतने महीनों तक आपको पानी पिलाया और उस पात्र से क्षमा भी मांगो और छोड़ आए उस स्थान के लिए, वापस चित्त से उस स्थान के लिए आभारी बन जाओ। अच्छा ठीक है, ये बात उदाहरणों से समझाई कि जिस चीज़ को छोड़ना है उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, जिस चीज़ को यूज लिया। जैसे विहार करते समय एक बार महाराज साहब थक गए तो किसी दुकान के बाहर चेयर्स लगी हुई थी, दुकानदार से परमिशन मांगी, उस चेयर पर बैठे और थोड़ी देर बाद वापस विश्राम होने के बाद वापस चल पड़े। आगे आए, गुरुजी साथ ही थे, विराट गुरुजी बोले महाराज साहब जी से कि साध्वी जी आपने जिस चेयर पे बैठे उसकी परमिशन ली, बोले बिल्कुल। तो कि वापस जब उठे तब थैंक यू बोला कि नहीं, तो बोला ऐसे क्यों, बोले जब परमिशन लेके बैठ गए थे तो फिर थैंक यू नहीं दिया कि क्यों नहीं दिया, जिस चेयर ने आपको बैठने में मदद की उस कुर्सी को छोड़ते जाते समय वापस कुर्सी को भी धन्यवाद तो देना ना कि उसने आपकी थकान को उतारने में आपका कितना सहायक बने। मैंने कहा हाँ, मेरे को ये घमंड है आपका, प्रवृत्ति महत्वपूर्ण नहीं थी, मुख्य चीज़ थी वृत्ति। वृत्ति आपके अंदर की संज्ञा है, अंदर की सोच, अंदर का संस्कार, अंदर की अवस्था है, प्रवृत्ति बाहर दिखलाई पड़ने वाली घटना है। अच्छा कई बार क्या होगा ना, हम थैंक यू तो बोल देंगे लेकिन थैंक यू वृत्ति में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हो सकता है कि थैंक्स गिविंग हमारी इतनी हैबिट बन जाए कि मे बी हम चेयर से उठे, हम किसी व्यक्ति के पास से मिलकर के वापस जाने लगे तो हम उसको थैंक यू बोल देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस समय भी थैंक यू हमारी वृत्ति में आए, भावों में आए, संस्कार में आए, सोच में आए, हृदय पूर्वक हो। हृदय पूर्वक हो तो बड़ी घटना है। तो पांचवी समिति क्या कहती है कि जिसको विसर्जित करना है उस विसर्जन को भी ऐसे विसर्जन करो जैसे गणपति का विसर्जन होता, परिस्थापन करो, छोड़ना नहीं कहा शब्द, थ्रू नहीं कहा। और देखो यूज इन थ्रू जिसकी मानसिकता हो गई, अब आज के युग की बात करें हम जिस 21वीं सदी में रहते हैं, यहाँ पर हर आदमी कोशिश करता है कि चीज़ें ऐसी खरीदी जाए कि काम में लेकर के उनको छोड़ दिया जाए। बर्तन, ग्लासेस, चम्मच, कितनी कितनी चीज़ें हमारी किचन तक प्रवेश कर गई, यूज एंड थ्रो। और फिर क्या हुआ, इस मानसिकता ने, क्योंकि ये मेंटलिटी वगैरह ना, ये हमारे अंदर की सोच संज्ञा बन गई, ये संज्ञा वस्तुओं से बढ़ करके अब इंसानों पर भी आ गई, नहीं आ गई, इंसानों के साथ भी हमारी इस कल्चर के अंदर ये बहुत बड़ा दोष पैदा हो गया कि वो इंसानों को भी यूज लेता है और फिर उनको थ्रू करता है, छोड़ता ही नहीं है, फेंकता है, छोड़ देता है, फेंक देता है और कहता है हो गया काम निकल गया बात खत्म। जब काम नहीं निकले तो पीछे पीछे, और जब काम निकल जाए तो तू कौन मैं कौन, हम जानते ही नहीं आप कौन हो, अच्छा कभी मिले भी थे क्या, अच्छा हमें ख्याल नहीं है, क्यों, क्योंकि अब तो काम निकल चुका है, अब कैसे पहचानेंगे हम उनको। ये मानसिकता आने की वजह से क्या हो गया, पारिवारिक रिश्ते बिगड़ गए। जो एक परिवार के एक प्राण होता था वो प्राण ही बिखर गया। अब तो लोग आपस में बात भी तब करते हैं जब कुछ काम होता है, जब काम नहीं होता है तो फिर कौन किसको बात करे, कौन किससे संवाद करे, कौन किसको जाने पहचाने, चीजें बदल गई। अब
क्योंकि यूज एंड थ्रो हमारी मानसिकता में घुसाया। फॉरेन कल्चर थी, इंडिया में आ गई, और इंडिया में ये कल्चर आने की वजह से अब जो पुराने लोग कहते थे ना कि साथ मिलके बैठना, बातें करना, अभी साथ मिलके बैठ भी जाएं तो बातें बातें नहीं, बातें करते सब अपने अपने गैजेट्स पर। छह लोग भी इकट्ठे हैं तो छह अपने अपने सेलफोन पे बिजी है, घर में चार लोग भी रहते तो चारों के रूम में अलग अलग टीवी सेट है, सब उसमें उसमें बिजी है। किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहा, क्यों? क्योंकि साथियों से बात करने में टकराहट होने का डर होता है, और टकराहट हो जाएगी तो फिर ईगो हर्ट होएगा, ईगो हर्ट होगा, टकराहट होगी तो फिर एक दूसरे को सहना पड़ेगा। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल है कि हम साथ रहे, टकराहट हो? इससे अच्छा ये है कि टकराहट ही ना हो, इसीलिए साथ भले रहो लेकिन दिमाग एक दूसरे में लगाओ मत, दिमाग सब अपना अपना अलग डायरेक्शन में रखो। तो लोग क्या सोचते हैं कि पहले जैसे नहीं करने से एक तो फ़ायदा हो गया ना, लड़ाइयाँ कहाँ होती है? पहले बाप दादा, दादा के भाई, उन भाइयों के बच्चे, और वो सारे लोग इकट्ठे रहते थे, घर में रोज की रामायण होती थी, किसी की कोई स्टोरी, किसी की कोई स्टोरी। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं बचा, हम लोग खुश हैं। लेकिन हम भूल गए कि पहले चेतना का विकास होता था, अब अचेतन पदार्थों का। लड़ते भी थे तो भी एक दूसरे को सहते तो थे, एक दूसरे को समझते तो थे, एक दूसरे की संवेदनाएं महसूस तो करते थे, कहीं ना कहीं समानुभूति भाव भी विकसित होता था। पर अब ये सारी चीजें, ये चैप्टर क्लोज होने लग गए, अब तो ये लगता है जिससे भी बात करके तनाव पैदा हो उस रिश्ते को ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। घर में सास होगी तो खटपट होगी, तो सास कहीं और, हम कहीं और। बच्चे बड़े होंगे तो खटपट होगी, बच्चे को कहीं और भेजो, हम कहीं और रहें। खटपट होना ही नहीं, नहीं। पर जो खटपट तो खत्म हुई, लेकिन उसके साथ साथ और कितनी चीजें भी हमारी विकसित होनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इंसानियत का विकास इंसानों के बीच में रह करके होता है, इंसानों को समझ कर होता है, इंसानियत से गुजर करके होता है। पर हम गुजरने के लिए तैयार नहीं है, साथ रह करके बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मानसिकता ऐसी बन गई, जितना जरूरत है उतनी ही बात करो, यूज एंड थ्रो। जरूरत का मतलब जरूरत नहीं है, जरूरत का मतलब क्या है? कितनी डिमांड है एक दूसरे से, हमको किस पॉइंट पे क्या चीज लेनी है, बस उतनी ही संबंध करो, उसके ज्यादा बात ही मत करो, उसे ज्यादा किसी की व्यवहार ही मत रखो। भूल जाओ कि कोई आपकी लाइफ में है भी, याद किसको रखो? उन लोगों को याद रखो जो केवल और केवल डाटाबेस आपके साथ है, जो केवल स्क्रीन पर आपके साथ मिलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं मिलते। और बड़ी अजीब और गरीब संस्कृति हमारे यहाँ डेवलप हो चुकी कि सेलफोन, सोशल मीडिया, हजारों दोस्त, और रियल लाइफ में भाई भाई का नहीं, भाई भाई का नहीं, भाई भाई के पास बैठने को तैयार नहीं, साथ रहने को तैयार नहीं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। सोशल मीडिया पे दिन रात लगे। अब इस मानसिकता में क्या होगा, हर आदमी अपनी काल्पनिक दुनिया का गुलाम बन जाएगा। और काल्पनिक दुनिया की गुलामी के अंदर एक विशेषता यह है कि काल्पनिक दुनिया की गुलामी के अंदर मुक्ति की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, विकास की और मुक्ति की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब काल्पनिक दुनिया में सबके सब कैद हो गए तो यथार्थ में जिएगा कौन? और जो यथार्थ में जीना जानेगा ही नहीं, वो सम्यक दृष्टि कैसे होगा? दृष्टि सम्यक होना पॉसिबल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सामने तो हम जीना पसंद ही नहीं करते, हम सब लोग कल्पनाओं में, हवाओं में। उस आकाशीय वाइब्रेशंस में बस उसी में जीना पसंद करते हैं, इससे ज्यादा। तो ये स्थिति आ गई हमारी। तो पांचवी समिति सिखाई परमात्मा महावीर ने कि जिन चीजों को ग्रहण करते हो, समय आने पर उन चीजों को छोड़ना तो होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति का नियम ही है, जो ग्रहण किया जाएगा उसको वापस विसर्जन तो करना ही होता है। इस प्रकृति में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो लेता है और देता नहीं है, जो जुड़ता है और जुदा होता नहीं है, जो जुड़ा है उसका जुड़ा होना भी नियत ही है। तो जब जुड़ाव करना था तब आदान निक्षेपण समिति सीखी थी, तो जब उसका
वियोग होना है तो वापस परिस्थापति का समिति भी तो सीख लो। जब छोड़ना ही है तो छोड़ना भी सीखो, छोड़ने की कला सीखो। कैसे छोड़ना, तो पहले शब्दों पे ध्यान दे। उच्चार, उच्चार विष्ठा को कहते हैं, मनुष्य के शरीर के मल को कहते हैं। और उच्चार, उच्चार उच्चार जो अंदर से निकल गया, जैसे बोला वही उच्चार ही है। प्रस्रवण जो आपके अंदर से बहा, बहा चाहे वो मूत्र बहा, चाहे वो पसीना बहा, चाहे वो अंदर का रक्त बहा, जो भी बहा, प्रस्रवण। खेल कफ को कहते हैं, सिंगार नाक के मैल को, जल पसीने को। उच्चार, प्रस्रवण, खेल, जल, सिंगार, ये सारे शब्द बोल दिए। इसके आगे बोला परिष्ठापनी का समिति, इन सबको परिष्ठापना करने में ऐसी सम्यक कला का चुनाव करना कि आप उन चीजों को जब छोड़ो तो आपसे उसका पूरा संबंध तो छूटे, विश्वोसिरामी तो होवे, लेकिन ना उस पदार्थों को कोई कष्ट होवे, ना आपको पीड़ा के साथ ना छूटे, आनंद के साथ छूटे, घृणा के साथ ना छूटे, धन्यवाद के साथ छूटे। जनरली क्या होता है, छोड़ने योग्य योग्य चीजों को लोग घृणा के साथ छोड़ते हैं। अरे बदबू, अरे दुर्गंध, अरे गंदी चीज, अरे वो कैसी भी चीज हो, वो सब पदार्थों का परिणमन है। और पदार्थों का परिणमन है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। ये कभी शुभ भी होते हैं और कभी अशुभ भी होते हैं। कभी ये अनुकूल लगने वाले मनोज्ञ भी होते हैं और कभी ये प्रतिकूल लगने वाले अमनोज्ञ भी होते हैं। अब ये मनोज्ञ हो और छोड़ना पड़े तो दुख होता है, अमनोज्ञ हो और छूटे नहीं तो दुख होता है, छूट जाए तो बड़ा मजा आता है। लेकिन मनोज्ञ हो या अमनोज्ञ हो, दोनों ही प्रकार के पदार्थों को उपयोग हो जाने के बाद में छोड़ने में साधक ना राग निर्मित करे ना द्वेष निर्मित करे। चित्त में उसको छोड़ते वक्त नहीं छोड़ना चाहता हूं ऐसी पकड़ भी ना बनाए, अरे छोड़ना पड़ेगा क्या, दुख भी ना बनाए, और चलो छोड़ो ऐसा गुस्सा और घृणा भी पैदा ना करे। तो क्या करे, उस समय में एक साधक समिति को साधे, संध्या को साधे, जॉइंट पॉइंट पे आए, मिड पॉइंट पे आए, और जाने कि शरीर से जो चीजें जा रही है उसको सप्रेम जाने दो, सप्रेम जाने दो। जो शरीर से चीजें निकल रही है उसको आनंद के साथ निकलने दो। विराट गुरु जी अद्भुत योगी पुरुष थे। स्टार्टिंग के दिनों में जब हमें साधना कराते थे तो एक बात कहते थे कि सच्चा साधु वह है, सच्चा ब्रह्मचारी वह है, सच्चा साधक वह है जिसकी विष्ठा से भी खुशबू आए। और दूसरी बात कहते थे कि अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो कभी आपको पोटी जाते समय भी जोर नहीं लगाना, अगर जोर लगाते हो तो सम्यक दृष्टि नहीं। हमने कही तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। वो बोले हाँ, जोर क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम सहज नहीं हो, आपकी प्रकृति सहज नहीं है, चीजों को पकड़ना जानते हो छोड़ना नहीं जानते हो, और छोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, आनंद के साथ उन चीजों को घटित होते हुए खुद देखो, साक्षी भाव में रहो। तो जब आपके शरीर से मल निष्कासित हो रहा है तब ध्यान की अवस्था में रहो। तो गुरु जी को ये बात साधकों के लिए थी। तो गुरु जी को किसी साधक ने सवाल किया, गुरु जी आजकल तो लोग अखबार पढ़ते हुए, सेलफोन पे चैटिंग करते हुए, ये सब बातें करते हुए, इस तरह से बिजी रहते हुए ही अपने बाथरूम का समय भी गुजारा करते हैं। गुरु जी बोले वो नहीं जानते कि वो अपने आप का कितना नुकसान कर रहे। ये बात और है कि वो ज्ञान की चीजों को वहां लेके बैठे हैं तो चलो ज्ञानावरण्य कर्म का बंधन हो रहा है, ये एक अलग तरीके की परिभाषा है। लेकिन ये भी बात सच है कि जब हम वहां बैठ करके भी अपना दिमाग को शांत नहीं कर रहे, जबकि वो विश्राम का क्षण होना चाहिए, वो पूर्ण विश्राम का क्षण होना चाहिए कि शरीर को जो कार्य करना है वो करे और हम शांति से केवल शरीर के साक्षी बन जाए। जो शरीर के साक्षी बन जाए और घटना को जो होना है हम उसको भी घटना को घटते हुए देखें तो एक अद्भुत अवस्था पैदा होगी कि हम इस शरीर के पार को भी अनुभव कर सकेंगे, शरीर के परे अस्तित्व को अनुभव कर सकेंगे, यानी वहां भी सामायिक सज जाएगी। और समिति का मतलब सामायिक की साधना है,
और सामायिक की साधना केवल चल बैठ करके ध्यान लगा करके ही होती है। अब तक हमने ऐसा ही सुना और सोचा है कि बस आंख बंद करके बैठो तो सामायिक होती है, तो ही ध्यान होता है। पर महावीर की वाणी क्या कहती है कि चलते समय भी ध्यान है, बोलते समय भी ध्यान है, भोजन करते समय भी ध्यान है, सामानों को लेते रखते समय भी ध्यान है, और जो सामान आपसे लिए अनावश्यक अनुपयोगी हो गया उसको विसर्जित करते हुए भी ध्यान है। पांचों में ध्यान है, पांचों में ध्यान है। कई लोग आके पूछते महाराज साहब आप ध्यान कब करते होंगे, ध्यान कब करते हैं? तो कोई कहेगा अच्छा भाई सुबह उठ के करते हैं, कोई कहेगा शाम को करते हैं। ऐसे एक जैन फकीर से किसी ने पूछा ध्यान कब करते हो, उसने बोला खाते समय, चलते समय, बैठते समय, सोते समय। पूछने वाला हैरान हो गया, अरे क्या हर समय ध्यान करते हो? बोले अगर हर समय नहीं हो तो ध्यान ही क्या हुआ, जो हर समय ना हो तो वो ध्यान ही क्या हुआ। ऐसा थोड़ी ही आप आधे घंटे एक घंटा बैठ के ध्यान किया वही ध्यान है। जब बोल रहे हो तो बोलने का ध्यान, सुन रहे हो तो सुनने का ध्यान, खा रहे हो तो खाने का ध्यान, चल रहे हो तो चलने का ध्यान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो तो उस समय उसका ध्यान, झाड़ू पोछा कर रहे हो उसको उस समय उसका ध्यान, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते समय पढ़ाई का ध्यान, जब सो रहे हो तो नींद में भी ध्यान, ध्यान पूर्वक ही नींद में प्रवेश करना। जो फकीर है, जो संत है, जो समिति के साधक है, उनके लिए ध्यान कोई पर्टिकुलर एक टाइम होता हो ऐसा नहीं है। उनके लिए हर क्रिया उपयोगयुक्त होवे, और उपयोगयुक्त होना का मतलब ही ध्यान, हर क्रिया उपयोगयुक्त होवे उसी का नाम समिति, हर क्रिया उपयोगयुक्त होवे उसी का नाम है ध्यान। इसीलिए ध्यान कोई पर्टिकुलर एक टाइम में ही होता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और पर्टिकुलर एक ही तरीके से होता हो ऐसा भी नहीं है। जिन सूत्रों में पांचों समिति कह करके जीवन की प्रत्येक गतिविधि को इन पांचों समिति में समाहित कर लिया गया, और प्रत्येक गतिविधि को ध्यान की सामायिक की अवस्था के लिए उपयोगी बताया दिया गया। कोई सोचे अरे मेरा तो ध्यान छूट गया क्योंकि खाना बनाना पड़ता है, सामायिक होती नहीं क्योंकि मुझे तो घर में सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाओ कि बैठ के सामायिक करो, बोल देना लोग ये भी बोलते इतने मेहमान आ गए सब धर्म ध्यान छूट गया। बहुत कॉमन सेंटेंसेस है, पर सबके सबसे रोज सुनते हैं, वहां जाना पड़ा सब सामायिक धर्म ध्यान सब छूट गया, सेवा करनी पड़ी सामायिक छूट गए, घर के काम मुझे करने पड़ते हैं तो सामायिक कब करूं। तो ऐसा सेंटेंस कहने वाले सभी लोगों के लिए ये महावीर की वाणी कहती है कि आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते वक्त ध्यान में रहो, आप मेहमानों को अटेंड कर रहे हो वो भी समिति पूर्वक करो, अब लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो समिति पूर्वक करो, गाड़ी चला रहे हो ड्राइवर हो सुबह शाम गाड़ी चलानी पड़ती है, कब पूजा पाठ करोगे, फुर्सत ही नहीं है, जब मालिक कह दे तब गाड़ी चलानी पड़ेगी। भैया गाड़ी चलाना ध्यान है, गाड़ी चलाने का ध्यान करो, वहां समिति पूर्वक गाड़ी चलाओ, उपयोग पूर्वक गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाते समय न राग न द्वेष न मोह न प्रपंच न कल्पनाएं न यादें, गाड़ी चलाते समय पूरे विवेक के साथ गाड़ी चलाओ वही ध्यान। आपको इतनी बड़ी फैक्ट्री संभालता हूँ सुबह से शाम तक, हजारों वर्कर्स मेरे नीचे काम करते हैं, महाराज साहब आप आपके तो प्रवचन सुनने बैठो, कैसे सुनने बैठ सकता हूँ, मेरे से सामायिक वामायिक नहीं हो सकते, मेरे लिए तो बस ये काम ही करना होता है मेरे को, हजारों की रोजगार जो मेरे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आपका हजारों के साथ जुड़ा हुआ भरत चक्रवर्ती का 6 खंड के राज्यों के साथ जुड़ा हुआ था, वो पूरे भारतवर्ष का मालिक था, फिर भी समिति को जीता था, राजा जनक सम्राट था, राजा है, पूरे राज्य की व्यवस्था उसी को देख रेख करनी है, नित नए लफड़े उसके राज्य में होते हैं, सबके समाधान देता है वो, फिर भी उपयोग पूर्वक है, समिति पूर्वक है, ध्यान पूर्वक है, अलग से बैठ के थोड़ी ध्यान किया, अलग से बैठ के ध्यान अभ्यास के लिए है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास को पूरे जीवन पे फैला लो, तो हर घटना को उपयोग पूर्वक किया जाए,
और शरीर से मल भी निष्कासित हो तो कैसे? अब कभी ख्याल करना, जब नाक का मैल निकाल रहे हो, जब आँख का मैल निकाल रहे हो, जब कान का मैल निकाल रहे हो, जब पांचों इंद्रियों का मैल निकाल रहे हो, जब शरीर का मैल निकाल रहे हो, तब क्या विचार आता है? अगर निर्विचार अवस्था में उन घटनाओं का साक्षी होकर के देखना आ जाए, सामायिक है। घर का कूड़ा निकाल रहे हो, बर्तनों का मैल निकाल रहे हो, कपड़ों का मैल निकाल रहे हो, निकालना तो पड़ेगा ना, कपड़े पहनेंगे तो मैल भी निकालना पड़ेगा, बर्तन काम में लेंगे बर्तनों का भी मेल निकालना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं साधु महाराज तभी अच्छे लगते हैं जब व्याख्यान दे रहे होते हैं, और कपड़े धोते देखते हैं बड़ा अजीब सा लगता है, साधु कपड़े धो रहे, साधु पात्रे धो रहे, साधु झाड़ पोंछ कर रहे। अरे भैया साधु हो गया तो क्या हुआ, कपड़े पहनेगा तो धोना भी तो पड़ेगा, मेल तो निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेल निकालना भी साधना है। और वो कला हम सीख ले तो हम सबके लिए परिस्थापनी का समिति हो जाएगी, ये पूरी जीवन की सारी गतिविधियां इन पांचों समिति में समाहित हो गई। कुछ अलग बचा हो तो बताना, आज खोजना कि कोई ऐसी गतिविधि बची है जो पांच समिति में ना आ सके। इरिया, भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेपना और परिस्थापनी का, देखो कुछ बचा हो तो बताना, खोजना आज कि कोई एक क्रिया ऐसी बच गई जो पांच समिति में ना आती हो। वितराग के वचन, आप्त पुरुषों के वचन, कितने गहरे वचन, कितने प्यारे वचन, कि एक एक सूत्र में, एक एक शब्द में सारी चीजों का सार समाहित कर देते, और सबको जीने की कला बताई। इसीलिए ये पवित्र कला जिसको आ गई उसका कल्याण निश्चित। जय हो।